जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे फोन में एक ही प्रोसेसर का यूज होता है, जो कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो सकता है या फिर मीडियाटेक का हीलियो प्रोसेसर हो सकता है और अन्य प्रोसेसर भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि फोन का प्रोसेसर वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो फोन के अंदर की सभी कैलकुलेशन को करता है और रिजल्ट को डिस्प्ले में शो करता है। अब सवाल आता है कि अगर एक प्रोसेसर इतना बखूबी काम कर सकता है तो उन्हीं उसी जगह दो प्रोसेसर कितना बढ़िया काम करेगा। पर साइंटिस्ट दो प्रोसेसर को कुछ वजह से इनकार कर देते हैं। पहली वजह, एक प्रोसेसर को वर्क करने के लिए रैम और रोम की जरूरत पड़ती है। अगर फोन में दो प्रोसेसर को इंस्टॉल कर दिया जाए तो उन दोनों प्रोसेसर के बीच एक रैम और रोम को आपस में बांटा नहीं जा सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है। मान लेते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट डेवलप कर लेते हैं और किस तरह दो प्रोसेसर को एक फोन के अंदर लगा देते, फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। दो प्रोसेसर का यूज करने से फोन बहुत ज्यादा हीट करेगा, जिससे हमें फोन के अंदर कूलिंग सिस्टम इनेबल करना पड़ेगा, और जब इतने सारे कंपोनेंट लग ही रहे हैं तो बैटरी भी ज्यादा लगेगी। मान लेते हैं हमने बड़ी बैटरी कूलिंग सिस्टम के साथ फोन बना दिया जिसमें दो प्रोसेसर है। अब आपका फोन तो बहुत अच्छा वर्क करेगा, हैवी हैवी टास्क्स को चुटकियों में करेगा, पर अब अगली दिक्कत शुरू हो जाएगी। आपका फोन अब के जैसा हल्का और स्लिम नहीं रहेगा, वो डब्बा बन जाएगा। अगर इन सब बातों के बाद भी अगर फोन में दो प्रोसेसर का यूज होने लगा तो फिर कंपनी नए प्रोसेसर की खोज करनी बंद कर देगी, क्योंकि उस समय सब लोग ये नहीं सोचेंगे कि स्नैपड्रैगन 888 के बाद 900 निकालना है। तब सब लोग ये सोचेंगे कि कैसे स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 888 को एक फोन में कैसे दो या तीन बार लगाया जाए।